Hi everyone, assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to all of you at Tuition Bank. So let's start our first lectures on physics for class 9th. It's your first unit, physical quantities and measurement. Before start study further, we need to understand the basic definition of physics. So what is physics? सबसे पहले हम इसकी definition के बारे में पढ़ेंगे कि जिस subject को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, उसकी मेन डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है. फिज़िक्स की इटसेल्फ अपनी भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये खुद जो है वो साइंस की ब्रांच है. आपके लेवल पे जो हमने ब्रांचेस को डिस्कस करना है वो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड कंप्यूटर्स. इन सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने डिस्कस करना है वो फिज़िक्स के बारे में पढ़ना है. फिज़िक्स क्या है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन को अब हम पढ़ते हैं. फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी. यानी फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी और मैटर की प्रॉपर्टीज और इसकी नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये मेन डेफिनेशन इसकी यही है. लिहाजा इस डेफिनेशन से हमें दो चीज़ें देखने को मिली हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी. यानी मैटर और एनर्जी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ और इसकी नेचर, ये किस तरह के हैं मैटर और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या क्या खासियत रखते हैं, इन सब की स्टडी को हमने फिज़िक्स के अंडर पढ़ना है. आगे चलते हैं. द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ फिज़िक्स इंक्लूड्स मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम. तो इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर फिज़िक्स में डिस्कस करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम इसकी ब्रांचेस में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ इसकी मेन डेफिनेशन जो हमने रीड की है वो यही है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी. अब आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, मैटर और एनर्जी, ये क्या हैं. मैटर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं मैटर. एवरी थिंग डैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर. हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है और उसने कोई ना कोई जगह को घेरा रहा है वो आपका मैटर कहलाता है. मतलब आपके जहन में किसी भी चीज़ का अगर कोई ख्याल आता है कि क्या ये चीज़ मैटर है, तो डेफिनेटली वो चीज़ मैटर होगी. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे पास ये है एक माउस. तो माउस की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जिस जगह पे पड़ा हुआ है, इसने इस जगह को ऑक्यूपाई किया है, तो इसका कोई ना कोई मास है, तो ये भी एक मैटर है. मी इटसेल्फ खुद भी एक मैटर हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ मैंने इस जगह को ऑक्यूपाई किया है और मेरा कोई ना कोई मास है. तो एवरी थिंग डैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि सबसे पहले जितने सॉलिड्स हैं हमारी इस यूनिवर्स में, हमारे इर्द गिर्द जो भी सॉलिड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मैटर हैं. तमाम लिक्विड्स मैटर हैं, तमाम के तमाम सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, ये भी मैटर्स हैं. और चौथी स्टेट जो मैटर की है वो है प्लाज्मा, ये भी मैटर है. एवरीथिंग, हर वो चीज़ जो आप सोचें वो मैटर है. बारिश है, हम लोग खुद इटसेल्फ पीपल जितने वो मैटर्स हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, सन, बेल, क्रियोन्स, ग्लू, सिरप, हीलियम, कंप्यूटर्स, रॉकेट एग्जॉस्ट, लेमन, स्मोक, बुक्स, स्टीम, ईच एंड एवरीथिंग जो आप सोचते हैं वो हर चीज़ मैटर है. क्योंकि हर चीज़ ने कोई ना कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है, कोई ना कोई जगह को घेर के रखा है और उसका कोई ना कोई मास है. तो एवरीथिंग इज़ मैटर. अब एक एग्जांपल मज़ीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या हमारी यूनिवर्स मैटर है जिसमें हम रहते हैं, और इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो भी मैटर है. डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ मैटर. जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो मैटर है. इसके अलावा हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, जिस प्लैनेट में रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर रहते हैं, ये भी मैटर है. और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट अप टू रीच हम एटम तक पहुँचते हैं, ये भी मैटर है. तो एटम क्या है? एटम मादे का, मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं, मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो कि मज़ीद तकसीम ना हो सके. आपके लेवल पे अभी डेफिनेशन जो है वो एटम की यही है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज़ नोन एज एटम. बाद में इसकी डेफिनेशन को मज़ीद एक्सपेंड किया जा चुका है
के एटम्स को फर्दर डिवाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपके लेवल पे अभी आपने यही रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब एटम को देख लेते हैं कि क्या एटम वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं, क्या सारी चीज़ें मैटर जितना भी है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। ये एग्जाम्पल है जो आपको अंडरस्टैंड करवाने लगा हूँ बाय माइक्रोस्कोपिक जूम। हम इसको जूम करके देख लेते हैं कि क्या ये मैटर एग्जिस्ट करता है एटम के थ्रू। तो हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जूम किया हेयर्स का। हेयर का जूम करके हमें पता चला कि हर चीज़ जो है वो डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ये है आपका ह्यूमन हेयर, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोपिक जूम करके यहाँ पे हर हेयर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से, बायोलॉजिकल सेल से मिलके बना हुआ है, जो कि कम्बिनेशन से हमारे हेयर्स बनते हैं। ये है माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल मिल के सेल बनाते हैं, और ये माइक्रोफाइब्रिल किस से मिल के बने हुए हैं, ये 10 नैनोमीटर्स माइक्रोफाइब्रिल से मिल के बने हुए हैं। अब ये 10 नैनोमीटर माइक्रोफाइब्रिल जो है वो आगे फर्दर प्रोटोफाइब्रिल से मिल के बने हुए हैं। ये प्रोटोफाइब्रिल जो हैं वो मज़ीद अगर इसको जूम करके देखा जाए तो कैराटिन से मिल के बने हुए हैं, और कैराटिन मुख्तलिफ एटम्स के कम्बिनेशन से बने हुए हैं। जो एटम्स हमारे हेयर्स में पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। इसमें से अब हम एक एटम को पिक करते हैं कि क्या एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे हेयर्स में। डेफिनेटली कार्बन का ये एटम है जो कि हमारे हेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ये इसके ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, इसका जो सेंटर वाला पोर्शन कहलाता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। सारी डिटेल हम केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है एनर्जी। एनर्जी क्या, किसी के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। किसी के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी एनर्जी है, वो कितना वर्क कर सकता है, वो उसकी एनर्जी कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। अब हम एनर्जी की एग्जांपल को समझते हैं कि एनर्जी क्या है। ये एक ह्यूमन बॉडी है, अगर इसमें एनर्जी होगी तो ये वर्क कर पाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में आपने डिफरेंट वर्क करना, डिफरेंट टाइप्स के वर्क को परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए जो है वो एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस ह्यूमन बॉडी को, इस वेट को लिफ्ट करने के लिए एनर्जी का होना इसके पास बहुत ज़रूरी है। सो अब हमने डेफिनेशंस में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक था मैटर और एक था एनर्जी। इन दोनों चीज़ों को मुकम्मल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब डेफिनेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा हमारी डेफिनेशन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। एक हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था और दूसरा हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारी की सारी आज की जो वीडियो में आपने समझा है, आज का जो लेक्चर है वो फिज़िक्स की डेफिनेशन पर था। सो थैंक्स फॉर टूडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िक्स की ब्रांचेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। Till then, take care. Allah Hafiz.